हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी दो कारों की जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है जब भी दोनों कारों की तरफ आप देखते हो। हम बात करने वाले हैं टाटा पंच एंड मारुति फॉक्स की। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों कारों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों कारों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इन दोनों कारों में मिलने वाली सेफ्टी के बेसिस पे, इनमें मिलने वाले फीचर्स के बेसिस पे, इन दोनों की आफ्टर सेल सर्विसेज, इन दोनों के सर्विस कॉस्ट एंड इन दोनों कारों की रिलायबिलिटी के बेसिस पे। तो गाइस, इस वीडियो को जरूर पूरा तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है दोनों कारों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कारों की परफॉर्मेंसेस की। तो गाइस, बात करें दोनों कारों की परफॉर्मेंसेस की, तो उससे पहले नजर डालते हैं दोनों कारों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन पे। तो टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलता है। वही बात करें फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन देखने को मिलेगा, एंड वहीं इसका 1 लीटर टर्बो इंजन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। वही बात करें दोनों कारों में मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की, तो दोनों कारें आपको पेट्रोल एंड सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है, बट पंच में आपको इसका ईवी ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है पंच के लिए। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की। बात करें इन दोनों कारों के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो पंच का जो इंजन है 1.2 लीटर का, वो आपको प्रोड्यूस करता है 86 bhp की पावर और 115 nm का टॉर्क। एंड फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर का इंजन प्रोड्यूस करता है 88 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क। तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर दोनों कारों की जो पावर फिगर है वो काफी हद तक सिमिलर है, पर जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी की, तो ग्राउंड रियलिटी में जो फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर का इंजन है वो ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कंपेयर टू पंच। पंच का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं आपको फ्रॉन्क्स के मुकाबले थोड़ी कम पावर डिलीवर करता है, एंड उसका एक मेन रीजन है इन दोनों कारों का पावर वेट रेशियो। पावर वेट रेशियो के मामले में फ्रॉन्क्स जो है वो लाइटर है कंपेयर टू पंच, इसीलिए जो उसका 1.2 लीटर का इंजन है वो आपको थोड़ा पैपी नजर आएगा पंच के अकॉर्डिंग, बिकॉज इन दोनों का कर्व वेट बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है वो फ्रॉन्क्स के पास आती है, एंड फ्रॉन्क्स का जो इंजन है वो सिटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड कहीं से भी आपको 1.2 लीटर के इंजन के अकॉर्डिंग अंडर पावर नहीं लगता। बट ये चीज़ पंच में आपको देखने को मिलेगी, पंच का इंजन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंडर पावर फील होगा। एंड वहीं दोनों कारों के NVH लेवल में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। फ्रॉन्क्स जो है वो एक 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एंड पंच में आपको 3 सिलेंडर इंजन ऑप्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो NVH लेवल है वो आपको पंच में थोड़ा हाई दिखता है। फ्रॉन्क्स का इंजन ज़्यादा साइलेंट है, ज़्यादा रिफाइंड है कंपेयर टू पंच। तो इंजन परफॉर्मेंसेस की अगर बेसिस पे देखा जाए तो फ्रॉन्क्स का इंजन थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, वहीं पंच का इंजन फ्रॉन्क्स के मुकाबले थोड़ा सा फीका लगता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड यहाँ बात करते हैं हम दोनों कारों में मिलने वाले सेफ्टी की। जहाँ सेफ्टी की बात आती है वहाँ पंच को इस सेगमेंट में बीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ पंच आती है एंड जिस प्राइस रेंज पे ये बिल्ड क्वालिटी ऑफर की जा रही है, आई डोंट थिंक सो इस सेगमेंट की कोई और कार इसके आसपास भी ठहरती है, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी के मामले में पंच बहुत सुपीरियर हो जाती है अपने सेगमेंट की बाकी कार से। तो जो सेफ्टी जो फीचर्स आपको पंच में मिल रहे हैं वो सेफ्टी फीचर्स आपको फ्रॉन्क्स में मिसिंग लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी देखें तो फ्रॉन्क्स पंच के मुकाबले थोड़ा लाइट बिल्ड है, फ्रॉन्क्स की बॉडी उतनी स्ट्रांग फील आपको नहीं होगी। फ्रॉन्क्स में जब आप बैठोगे तो वो आपको फील नहीं आएगा कि आप किसी स्ट्रांग कार में बैठे हो, वहीं कंपेयर करोगे आप पंच के साथ, पंच के कैबिन में बैठ के आपको फील हो जाएगा कि ये आप किसी एक स्ट्रांग कार में बैठे हो, एक हैवी बिल्ड क्वालिटी वाली कार में बैठे हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्वालिटी के फील्ड में पंच फ्रॉन्क्स से बहुत आगे है, एंड सेफ्टी जो आपको प्रोवाइड करेगी पंच वो आपको फ्रॉन्क्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो अगर सेफ्टी आप लोग प्रायोरिटी रखते हो अपनी लिस्ट में तो उस केस में पंच आपको कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज पंच इस सेगमेंट की सबसे सेफ कारों में से एक है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की, बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाली माइलेज की। जहाँ बात करते हैं माइलेज की, वहीं इंडियन कंज्यूमर के माइंड में सबसे पहले एक ब्रांड आता है, वो आता है मारुति। एंड मारुति फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई भी करता है, बिकॉज मारुति फ्रॉन्क्स में आपको कंपेयर टू पंच एक अच्छी माइलेज फिगर देखने को मिलती है। माइलेज की बात करी जाए सिटी में, तो सिटी में जो
सॉन्ग्स है वो आपको कहीं ना कहीं 14 टू 15 के बीच में माइलेज निकाल के देती है। वहीं पंच माइलेज के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है सिटी में, एंड पंच में आपको अराउंड 12 टू 13 के आसपास आपको माइलेज देखने को मिलती है सिटी ड्राइविंग पे। वहीं बात करें हाईवे ड्राइविंग की, तो हाईवे ड्राइविंग में जो पंच है वो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल कर देता है। पंच में आपको नियर अबाउट 20 प्लस की माइलेज, अगर आप कार को अच्छी तरह से ड्राइव करते हो, आप ज़्यादा एक्सलरेट नहीं करते, एक सर्टेन आरपीएम तक कार को चलाते हो, तो पंच में भी आपको हाईवे में एक बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देती है। वहीं बात करें फ्रॉन्क्स की हाईवे माइलेज की, तो फ्रॉन्क्स भी हाईवे में काफ़ी अच्छी माइलेज आपको निकाल के दे देती है। फ्रॉन्क्स की हाईवे माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉन्क्स में भी आप इजीली 20 प्लस माइलेज अचीव कर सकते हो, अगर आप उसको एक सर्टेन आरपीएम और एक सर्टेन स्पीड लिमिट तक चलाते हो। बात करें गाइज अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ बात करने देते हैं हम दोनों कारों की स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो पंच इस सेगमेंट में फिर से सबसे ज़्यादा स्टेबल कारों में से एक मानी जाती है। पंच जो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है हाईवे ड्राइविंग में वो अनमैचेबल है इसके सेगमेंट पे, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको पंच में देखने को मिलती है। वही बात करें फ्रॉन्क्स की, तो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स भी आपको हाईवे में एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्रॉन्क्स में आपको लो सिटिंग पोजिशन देखने को मिलती है, ग्राउंड से लग के कार ये चलती है, बट कहीं ना कहीं जब बात स्टेबिलिटी की आती है तो उसके साथ स्टेयरिंग फीडबैक का जो रिस्पॉन्स है वो आपको पंच में बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स का स्टेयरिंग फीडबैक इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ पंच में आपको बहुत अच्छा स्टेयरिंग फीडबैक मिलता है, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है हाई स्पीड पे भी। एंड जो स्टेबिलिटी पॉइंट है वो पंच के साथ जाता है, एंड पंच आपको दोनों कारों में से ज़्यादा स्टेबल लगती है हाईवे पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉन्क्स स्टेबल नहीं है, फ्रॉन्क्स भी स्टेबल है, बट दोनों कारों में अगर कंपेयर करेंगे तो पंच आपको ज़्यादा स्टेबल फील होगी हाईवे ड्राइविंग पे। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड बात करते हैं दोनों कारों की आफ्टर सेल सर्विस की। तो जब बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो अगेन मारुति के पास एक और एज आता है, बिकॉज मारुति जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो काफ़ी बढ़िया है। मारुति का नेटवर्क आपको देश के हर कोने में मिल जाएगा, एंड जो सर्विसेज मारुति प्रोवाइड करता है वो अभी फिलहाल टाटा के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो आफ्टर सेल सर्विसेज वाला पॉइंट है ना वो मारुति में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू टाटा। टाटा काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में, बट फिर भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसमें आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिले, तो वो आपको मारुति के पास ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये पॉइंट मारुति के पास जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड बात करते हैं दोनों कारों की सर्विस कॉस्ट की। जहाँ बात की जाए सर्विस कॉस्ट की, तो अगेन मारुति की सर्विस कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है कंपेयर टू टाटा, बट इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है गाइस, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। दोनों कारों की जो सर्विस कॉस्ट है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्ट टाटा की भी और मारुति की भी ऑलमोस्ट सेम रेट के आसपास आती है, तो ये चीज़ है। और दोनों के जो सर्विस पार्ट हैं वो भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते दोनों। मारुति आपका ऑलरेडी सर्विस कॉस्ट, वी ऑल नो दैट कि मारुति की सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। मारुति कार का प्लस पॉइंट ये रहता है कि मारुति कार इजी टू सर्विस है, आप किसी भी लोकल मैकेनिक्स भी इस कार को इजीली सर्विस कर सकता है, एंड इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते हैं। एंड वही बात की जाए टाटा की, तो टाटा में भी सर्विसेज इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो जो ये सर्विस कॉस्ट वाला पॉइंट है ना, मैं इन दोनों ब्रांड्स को देना चाहता हूँ, बिकॉज दोनों ब्रांड्स में जो सर्विस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट पास पास ही पड़ती है। तो सर्विस कॉस्ट के मामले में दोनों कार सिमिलर ही हैं, तो ये पॉइंट्स मैं दोनों कारों को देना चाहता हूँ। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड बात करते हैं दोनों कारों की रिलायबिलिटी की। जहाँ रिलायबिलिटी की बात आती है वहाँ मारुति आगे निकलता है, बिकॉज मारुति का इंजन भी ऑल नो कितना रिलायबल है। आप मारुति की कार को 10 साल चलाओ, 15 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन है गाइस, एंड रिलायबिलिटी के मामले में आई डोंट थिंक सो मारुति की कार्स को कोई और टच करता है। और इस मामले में रिलायबिलिटी के सेक्शन में मारुति बिल्कुल जीतती है। एंड टाटा का जो इंजन है उसको मैं अभी इतना रिलायबल नहीं कह सकता, बिकॉज रिलायबिलिटी वाला इशू टाटा के कार्स में भी है। और मैं देखो जो चीज़ है वो मैं आपके आगे क्लियर बोलता हूँ, मारुति के केस में और कंपेयर जब भी आप करोगे मारुति के साथ किसी भी कार का, तो रिलायबिलिटी के मामले में मारुति का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो गाइज आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इन दोनों कारों का कंपेयर करके बताया, एंड आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई हो अगर आप इन दोनों कारों के बीच में कोई कंपैरिजन वीडियो ढूंढ रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।